Welcome students, welcome back. So today we are going to start our new lecture, lecture number 2. और अगर lecture number 2 replacement account direct देख रहे हो और आपका basic clear नहीं है तो आप lecture number 1 देख लेना, और channel पे new हो तो channel subscribe शुरू कर लेना. Clear? तो चलिए without time waste अब हम start कर रहे हैं lecture number 2 replacement account. Basic clear नहीं है तो lecture number 1 देख लो, बहुत ही अच्छे से विद सम मैंने करवाया हुआ है, तो वो जरूर पहले आप देख लेना. उसके बाद कोई भी रिप्लेसमेंट का सम देखोगे आपको समझ में आ जाएगा. तो चलिए सम नंबर 17 आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में. और अगेन अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. यहाँ पे सम नंबर 17 में क्या बोल रहा है, अ बिल्डिंग ऑफ अ फैक्ट्री हैज बीन रिप्लेस्ड. ओरिजिनल कॉस्ट उसकी कितनी थी, 28 लाख रुपीज, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना था उसका, 50 लाख रुपीस का, और प्रपोजेड मटेरियल लेबर और अदर एक्सपेंसेस का 5:6:3 था, और इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल कॉस्ट उसका 40% 20% 10% इंक्रीज हुआ है, और यूज ऑफ ओल्ड मटेरियल जो है 1 लाख रुपीस का, वो न्यू एसेट में हमने ओल्ड जो एसेट थी उसमें उसका मटेरियल कुछ न्यू एसेट में हम 1 लाख रुपीस का लेके गए, और बाकी और ये नॉट इंक्लूडेड है. ठीक है ना, जो आपका न्यू एसेट का कॉस्ट है ना 50 लाख रुपीज, उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है तो आपको ऐड करना पड़ेगा. और स्क्रैप 70,000 का है वो आपने सेल किया, और एक न्यू गेस्ट हाउस आपने बनाया 8 लाख रुपीज का, तो टोटल हमारे पास वही सेम थिंग होती है. सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा जो हमारी ओल्ड कॉस्ट थी ना 28 लाख रुपीज, उसमें इंक्रीज कितना हुआ है. तो ये इंक्रीमेंट का हम एंट्री करेंगे पहले, मतलब कैलकुलेशन करेंगे. तो यहाँ पे आपका टोटल क्या क्या दिया है, मटेरियल लेबर और अदर एक्सपेंस. यहाँ पे लिख दो आप मटेरियल लेबर और अदर एक्सपेंस, ठीक है, और टोटल कॉस्ट आपकी कितनी थी, 28 लाख रुपीस. अब इसको हमको कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, 5, 6 और 3 में, 5, 6 और 3, तो टोटल कितना आ जाता है, 5, 6, 11, 11, 3, 14. 28 लाख मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 14, तो 10 लाख रुपीस का मटेरियल आया, और लेबर आपका 12 लाख रुपीस का आया, और 6 लाख रुपीस का आपका अदर एक्सपेंस आया. अब इंक्रीज कितना हो रहा है, 40, 20 और 10, 40% 20% और 10%. और 10 लाख का 40% मतलब कितना हो गया आपका, 4 लाख रुपीस, और 12 लाख का 20% 2,40,000, और 6 लाख का 10% मतलब 60,000. तो टोटल आपका इंक्रीज कितना हुआ, 2,40 और 60, 3 लाख, और 4 लाख कितना हो गया आपका, 7 लाख रुपीस. अब हम यहाँ पे टोटल कर देंगे कितना इंक्रीमेंट हो रहा, मटेरियल का कितना हो गया, 14 लाख रुपीस, और लेबर का हो गया 12 और 2, 14 लाख 40,000, और अदर एक्सपेंस हो गया आपका 6,60,000. और 28 लाख प्लस 7 लाख, 35 लाख रुपीस का आपका टोटल कॉस्ट आएगा, टोटल ओल्ड कॉस्ट. अब ये क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये काफी पुराना टाइम पे बना था, अब इतना साल हो चुका तो लेबर मटेरियल सबका भाव तो इंक्रीज हुआ होगा, जिसको हम बोलते हैं महंगवारी. ठीक है, महंगवारी बड़ी होगी तो यहाँ पे कॉस्ट भी तो इंक्रीज हो गई होगी आज के पीरियड में, तो बस वही हम यहाँ पे लिखते हैं. तो टोटल ओल्ड कॉस्ट हमारी कितनी थी, 28 लाख रुपीस. ये मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझाया, आप वो देख लेना लेक्चर नंबर 1. और इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज आपका कितना हुआ था, यहाँ पे देख ले, इंक्रीज हुआ था 7 लाख रुपीस का.
और टोटल जो ये यहाँ पे कॉस्ट आया वो मेरा क्या आया, रेवेन्यू। इसको मैं क्या बोलूंगा, रेवेन्यू। जो भी हमारा पूरा ना एसेट का खर्चा होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्लियर? अब क्या होगा, अब आपका न्यू कॉस्ट जो आप फैक्ट्री को रिप्लेस कर रहे हो वापस, तो न्यू कॉस्ट कितनी है, 50 लाख रुपीज। वो हम यहाँ पे लिखेंगे, कैश एक्सपेंडेड इज ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पोर्शन, 50 लाख रुपीज। अब हम इसमें प्लस कर देंगे जो हमने ओल्ड मटेरियल, ओल्ड जो हमारी फैक्ट्री थी उसका मटेरियल यूज किया 1 लाख रुपीज का न्यू एसेट में, तो हम न्यू एसेट में उसको प्लस कर देंगे। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ओल्ड मटेरियल यहाँ पे 1 लाख रुपीज माइनस कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे ओल्ड एसेट को प्लस करने के बाद मेरा जो वैल्यू आएगा 51 लाख रुपीज, उसको मैं बोलूंगा टोटल कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अब इसमें से मैं ये रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस करूंगा 35 लाख रुपीज, तो टोटल मेरा कितना आएगा, 15 1 लाख प्लस 35 लाख, तो 86 लाख रुपीज आया। अच्छा माइनस करना है मेरे को, प्लस कर दिए, 51 लाख माइनस 35 लाख, तो 16 लाख रुपीज आया। अब एक्चुअली तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि टोटल आपका जो कैश पोर्शन है न्यू एसेट का प्लस ओल्ड मटेरियल जो न्यू एसेट में यूज किया उसमें से रेवेन्यू माइनस कर दोगे तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। लेकिन यहाँ पे प्लस कर देंगे हम, हमारा न्यू गेस्ट हाउस बन रहा है, वो न्यू गेस्ट हाउस भी यहाँ पे मुझे प्लस करना पड़ेगा। न्यू गेस्ट हाउस कितने का है, 8 लाख रुपीज का है। अब टोटल मैं नीचे बाद में यहाँ पे कर दूंगा। अब दो चीजें माइनस करनी है, सबसे जो ओल्ड मटेरियल हमारा न्यू में यूज हुआ 1 लाख रुपीज, क्लियर, तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। और उसके बाद आपने जो स्क्रैप बेचा 70,000 का, ठीक है, वो आपका इनकम है, इसके लिए रेवेन्यू में से वो माइनस हो जाएगा 70,000। अब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा आपका वो कैपिटल का कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू वाला रेवेन्यू में, तो 16 लाख प्लस 8 लाख आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है 24 लाख रुपीज का। उसके बाद रेवेन्यू आपका 35 लाख, उसमें से 1 लाख रुपीज का आपका ओल्ड मटेरियल जो यूज हो गया और 70,000 का स्क्रैप माइनस कर देंगे तो 33 लाख, 33 लाख 30,000 का आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आया। एक्चुअली ये रहा 33 लाख 30,000। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन तो हो चुका, क्लासिफिकेशन कैपिटल और रेवेन्यू का तो हो चुका। अब हम करेंगे जनरल एंट्री। तो सबसे पहले जनरल एंट्री आएगी आपका जो न्यू कॉस्ट है, न्यू फैक्ट्री का कॉस्ट है, वो बैंक अकाउंट एंट्री क्या रहेगी, न्यू वर्क अकाउंट डेबिट, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे वर्क मैंने कॉमन वर्ड लिखा है, आप वो लिखोगे जो एसेट बन रही है। जैसे यहाँ पे फैक्ट्री बन रही है तो हम लिखेंगे न्यू फैक्ट्री अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक कितना आएगा, आपका जो यहाँ पे एसेट का वैल्यू है, तो कितना है एसेट का वैल्यू, 50 लाख रुपीज। तो 50 लाख रुपीज आप यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। क्लियर? और उसमें ऐड क्या, डेबिट क्या करेंगे, 35 लाख रुपीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो डेबिट करेंगे। अब जो बैलेंस फिगर है 15 लाख का, वो आप लेके जाओगे न्यू फैक्ट्री अकाउंट में डेबिट साइड। क्लियर? सेकंड एंट्री आपकी आती है, जो आपने ओल्ड मटेरियल, ओल्ड फैक्ट्री का मटेरियल न्यू फैक्ट्री में यूज किया उसकी एंट्री। तो एंट्री क्या आती है, न्यू वर्क अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। तो कितना यूज किया था आपने, 1 लाख रुपीज का यूज किया था, तो न्यू फैक्ट्री अकाउंट डेबिट, यहाँ पे वर्क नहीं आएगा फैक्ट्री आएगा, मैंने वर्क कॉमन लेजर बनाकर रखी है। न्यू फैक्ट्री अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 1 लाख रुपीज। अब थर्ड एंट्री जो आपकी आती है वो सेल ऑफ स्क्रैप की आती है, जो भी आपने स्क्रैप सेल किया
रिप्लेसमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा और पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो कितने का स्क्रैप सेल किया, 70,000 का हमने स्क्रैप को सेल किया, उसकी एंट्री आएगी। अब लास्ट फोर्थ एंट्री, वैसे सेकंड लास्ट है क्योंकि यहाँ पे न्यू गेस्ट हाउस हम बना रहे हैं, तो वो फिफ्थ एंट्री उसकी आती है। तो फोर्थ एंट्री जो आपकी आएगी, रिप्लेसमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे रेवेन्यू अकाउंट से, तो रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। रिप्लेसमेंट अकाउंट यहाँ पे आपका डेबिट कितना हुआ है, 35 लाख, उसमें से ये दोनों क्रेडिट हुआ है 1 लाख और 70,000, तो ये दोनों माइनस कर दो, तो 35 लाख माइनस 1 लाख माइनस 70,000, तो 33 लाख 30,000 आपका बैलेंस फिगर बचा, वो आप रेवेन्यू अकाउंट में लेके जाओगे। क्लियर। और फिफ्थ एंट्री जो आपकी आएगी, जो आपने न्यू गेस्ट हाउस बनाया ना, तो न्यू गेस्ट हाउस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने का बनाया, 8 लाख रुपीस का बनाया, तो यहां पे 8 लाख रुपीस डेबिट होके क्रेडिट हो जाएंगे। रिप्लेसमेंट अकाउंट बनाएंगे हम, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे, अच्छा फर्स्ट एंट्री में चलते हैं हम। फर्स्ट जनरल एंट्री में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट होता है किससे, टू बैंक अकाउंट से। तो एंट्री क्या आएगी, रिप्लेसमेंट अकाउंट में डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट कितने का आएगा, 35 लाख रुपीज का। क्लियर। उसके बाद रिप्लेसमेंट अकाउंट दो बार क्रेडिट हो रहा है, एक हो रहा है न्यू फैक्ट्री अकाउंट से और एक हो रहा है बैंक अकाउंट से, तो स्क्रैप का माल बेचा हमने, तो वो दोनों एंट्री यहां पे लिखेंगे, बाय न्यू फैक्ट्री अकाउंट और यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। तो फैक्ट्री कितना है, 1 लाख रुपीज, और बैंक कितना है आपका, 70,000। और लास्ट एंट्री जो आप रेवेन्यू में लिखेंगे, बैलेंस फिगर कितना, 33 लाख 30,000, वो यहाँ पे लिखोगे बाय रेवेन्यू अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर कितना आएगा, 33 लाख 30,000। टोटल आपका यहाँ पे मैच हो जाएगा 35 लाख रुपीज, 33, 34 और 35। अब लास्ट अकाउंट हम न्यू फैक्ट्री अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो न्यू फैक्ट्री अकाउंट यहाँ पे अगर हम देखें तो वो भी डेबिट हो रहा है बाय बैंक से और रिप्लेसमेंट अकाउंट से डेबिट हो रहा है, तो 15 और 1 16 यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 15 लाख और यहाँ पे लिखेंगे टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 1 लाख। क्लियर, यही था ना 1 लाख अमाउंट। ओके, तो आया टोटल 16 लाख रुपीस। अब ये 16 लाख हमारा क्या है, कैपिटल में लेके जाएंगे क्योंकि हमारा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो बाय ट्रांसफर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर 16 लाख। क्लियर। आई होप कि अब मेरा लेक्चर नंबर 2 और सब नंबर 17 आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय।